हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा फ्रॉम दादू आर्ट। साथियों, 22 अप्रैल को अर्थ डे आ रहा है। आज मैं अर्थ डे से संबंधित ड्राइंग बनाने जा रहा हूं। अर्थ डे इज एन इवेंट ऑन अप्रैल 22nd टू डेमोंस्ट्रेट सपोर्ट फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। पृथ्वी है तो सब कुछ है, और पृथ्वी पर पर्यावरण है तो जीवन संभव है। प्रारंभ में अर्थ डे साल में दो बार मनाया जाता था, एक बार 21 मार्च को और दूसरी बार 22 अप्रैल को। लेकिन 1970 से 22 अप्रैल को ही अर्थ डे मनाया जाता है। अब दुनिया के 195 से अधिक देशों में अर्थ डे को मनाया जाता है। इस दिन होने वाली गतिविधियों में दुनिया के 1 अरब से ज़्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। माना जाता है कि यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। सम इम्पोर्टेंट कोर्स ऑन अर्थ डे इंस्पिरेशन आर, आई ओनली फील एंग्री व्हेन आई सी वेस्ट, टाइम स्पेंट अमंग ट्रीज इज नेवर टाइम वेस्टेड, द अर्थ डे 2021 थीम इज रीस्टोर अवर अर्थ एंड फीचर्स 5 प्राइमरी प्रोग्राम। दीज आर द कैनोपी प्रोजेक्ट, फूड एंड एनवायरनमेंट, क्लाइमेट लिटरेसी, द ग्लोबल अर्थ चैलेंज एंड लास्ट वन इज द ग्रेट ग्लोबल क्लीन। साथियों, पर्यावरण को बचाने से संबंधित एक्टिविटीज़ को केवल एक दिन अर्थ डे तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इन कार्यों एवं प्रयासों को अनवरत जारी रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, अगर उसके पास में थोड़ी सी भी जगह उपलब्ध है, लोन है, उसमें फूल पौधे कुछ जगह के अनुसार मीडियम साइज़ के वृक्ष, अगर बड़ी जगह है तो बड़े वृक्ष, अगर कुछ भी जगह नहीं है तो छोटे मध्यम आकार के बड़े गमलों में कुछ प्लांट्स ज़रूर लगाने चाहिए। इस छोटी सी पहल से ही हम अपनी पृथ्वी के पर्यावरण को बचा पाएंगे। मैं भी इस तरह का छोटा प्रयास हमेशा करता रहता हूँ, और दिन में कुछ टाइम अपने लॉन में ज़रूर व्यतीत करता हूँ, जहाँ मैंने विभिन्न प्रकार के फूल पौधे और कुछ मध्यम आकार के वृक्ष लगा रखे हैं। मुझे उन वृक्षों के साथ, उन फूलों के साथ अपना समय व्यतीत करना सबसे अच्छा लगता है। दिन भर में जितनी भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें सबसे अच्छी एक्टिविटी मैं इसी कार्य को समझता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी अर्थ डे, थैंक्स।